मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए आज वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में वर्चुअल क्लासरूम सुविधा का लोकार्पण किया। जिला के 8 महाविद्यालयों को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा गया है। इस दौरान उन्होंने श्री निवास रामानुज स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत 20 मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी प्रदान किए। है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को दी गई है। निसंदेह समस्त महाविद्यालय परिवार इस सुविधा के लिए हमेशा मुख्यमंत्री महोदय बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कोठी तो नजदीक है मंडी से, लेकिन फिर भी आप इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके इसका लाभ लेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉटर ऑफ श्री खेमचंद नीलम शर्मा के बाद कमल किशोर, सन ऑफ श्री किशोरी लाल, तत्पश्चात मिताली, डॉटर ऑफ श्री सुंदरलाल। मंडी लोकसभा क्षेत्र के जनप्रिय सांसद माननीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी का एवं कार्यक्रम में उपस्थित मंडी की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित माननीय विधायक गण का, शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, मेरा पुनः निवेदन है डॉक्टर अमरजीत शर्मा, डॉक्टर शिक्षा में उच्च तकनीक को कैसे जोड़ा जाए। हर एक इंसान आज लैपटॉप को जानता है, स्मार्टफोन को जानता है, लेकिन इस सारी तकनीक को कैसे शिक्षा में छात्रों के लिए उपयोगी बनाया जाए, ऐसे आदेश हमें माननीय मुख्यमंत्री के सौजन्य से पिछले वर्ष प्राप्त हुए। विभाग ने इमीडिएटली इसको समग्र शिक्षा में, हमने अपने उन्नत तकनीक को कैसे शिक्षा में जोड़ा जाए, तो सबसे पहले जो विभाग बहुत समय से बहुत सी कठिनाइयों को, जैसे कठिनाइयों के कारण जो हम बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स को झेलते थे कि जैसे बहुत के दूर दराज के कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्टाफ की कमी हमेशा रहती है, कभी स्टाफ की रिटायरमेंट के कारण, कभी स्टाफ की ट्रांसफ़र के कारण, तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि क्यों ना एक क्लासरूम को ऐसे कॉलेज से जोड़ा जाए, क्यों ना एक स्कूल को एक ऐसी तकनीक से जोड़ा जाए कि माना किसी दूर दराज के स्कूल में या कॉलेज में अगर कहीं स्टाफ की कोई कमी है तो उसी कॉलेज के स्टाफ उसमें क्लासरूम से उस पूरे के पूरे लेक्चर को ट्रांसमिट किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरी दुनिया में बोलबाला है, हमारे भारतवर्ष में भी, हमारे प्रदेश में भी, लेकिन हमने क्लास को कैसे जोड़ा जाए पूरी पेरिफरी में, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स के साथ, तो इसी को जोड़ते हुए पिछले साल हमने BSNL से कॉन्टैक्ट किया। इन्होंने आगे हमें आकर के कॉन्टैक्ट किया कि इतने कॉलेजेस, 8 कॉलेजेस हम नहीं जोड़ सकते। एक आकर के फिर इन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया कि हमें प्रॉब्लम है, इतनी MBPS की स्पीड नहीं है, लेकिन फिर पहले जो प्रोजेक्ट ये लाए कि 10 MBPS की स्पीड होनी चाहिए, इतनी इतनी लंबी हॉट लाइन्स या OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होनी चाहिए, लेकिन फिर जब बातचीत करके इनसे बाद में एक सॉल्यूशन निकाला गया तो हमने ये फाइनली देखा कि 4 MBPS की स्पीड पर भी हम 8 कॉलेजेस को इस नोडल कॉलेज के साथ जोड़ने में सफल हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से ये सक्सेसफुली 8 के 8 कॉलेजेस हमारे हिमाचल प्रदेश में पहला जो पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर हमने शुरू किया और ये बहुत ही सक्सेसफुली मंडी कॉलेज से इसको चलाया गया। इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ मंडी कॉलेज के प्रिंसिपल को, इनके स्टाफ मेंबर्स को, और ये नोडल कॉलेज है, साथ में जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, कोटली है, रिवाल्सर है, नीरी, देहर, लंबा थाच, थाची और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मपुर, और 8 के 8 कॉलेजेस में जहाँ भी स्टाफ की कमी होती थी इसी जगह पर यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रोफेसर वो लेक्चर लेते थे और वो लेक्चर जहाँ चाहिए वहाँ पर वो ट्रांसमिट होता था।
मैथमेटिक्स का लेक्चर यहाँ से ट्रांसमिट होकर के लंबा थाच में, और बायो का लेक्चर यहाँ से धर्मपुर में, वो यहाँ से साइमल्टेनियसली, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं था विभाग में। आज भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की है कि हमें जहाँ टीचर्स की कमी है या तो ट्रांसफ़र करना पड़ता है टीचर, तो पिछला वैकेंसी क्रिएट हो जाती है पिछले स्टेशन पर, या डेपुटेशन लगाना पड़ता है तो जो पिछला इंस्टीट्यूशन है वो भी बहुत बड़ा इसमें सफरर होता है।